मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं बचपन में अपने अम्मी के साथ मदीना शरीफ आया था, उस वक्त जो पत्थर मुझे सलाम करते थे, फरमाया आज तक पहचानता हूँ, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो चांद के दो टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारे कुर्मे को मीठा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे, हाथ रख कर जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनों को पहनाई देते उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों को जिंदा करते उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके बैठने पर खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार के सर पर हाथ रख दे तो शिफा मिल जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो फर्श से अर्श पर जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्राइल से आगे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वह नजम जिसका सफर सबसे आला हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक्सिम बिहाज़ अल बलद हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मा ज़ाक़ अल बसरु व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो जाए तो मिराजे बिना ली, जब जागे तो खुदा से हब कलामे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो हबशी के चेहरे पे हाथ रख दे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लड़ते हुए को मिला दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो किसी के सर पर हाथ फेर दे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखने के लिए जिब्राइल भी सिदरा से आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके एक इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके दरवाजे पर मौत को भी टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद घर की छत खुल जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर उनकी अम्मा की खिदमत करने के लिए कभी हवा आती है कभी आंधी आती है तो फिर कभी मरियम आती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, अंकल मुनसुम जिसकी पैदाइश पर काबा झूमता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी चौखट पर आतम की आठ मिलियन शराफत मारती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, नूह की शुजात जिसके घर के कलीज है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं, अरे जो इशारा करे तो सूरज पलट आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बकरियों पर हाथ रखे तो बकरियां जिंदा हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिनके बैठने पर खाना खत्म भी नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी नबूवत की गवाही थे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, अरे को जिसका कलमा पढ़े उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, बकरियां जिसकी रिसालत पर कुर्बान होती हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूल
मादम की तौबा जिसके सदके में कबूल हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे अरे जिसके सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भूख में जिसका नाम लो भूख मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यास में जिसका चेहरा मुबारक देखो तो प्यास मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे बड़ी बात जो गुनाहगार का हाथ पकड़ कर प्यार से देख ले तो जान में भी जन्नती बन जाता है वो मोहम्मद। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।